सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लेके आया हूँ 3 ऐसे स्मार्टफोन जिन्हें आप 20,000 रुपये के अंदर ले सकते हो इस महीने। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको 3 ऐसे स्मार्टफोन बताऊंगा जिन्हें आप इस महीने 20,000 रुपये के अंदर ले सकते हो। और दोस्तों, तीनों ही फ़ोन अलग अलग ब्रांड के हैं। दोस्तों, मैं आपको तीनों फ़ोन बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि इनमें से आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए और कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको तीनों स्मार्टफोन के बारे में एक एक करके बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले फ़ोन की बात करें तो ये आता है दोस्तों सैमसंग की तरफ से। दोस्तों, काफ़ी लोग होते हैं जिनको सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए होता है। सैमसंग के अलावा दोस्तों ने और कोई ब्रांड पर भरोसा नहीं होता। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तीसरे नंबर के फ़ोन की, जो दोस्तों सैमसंग की तरफ से, जो दोस्तों सैमसंग का गलेक्सी M31S। दोस्तों, इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें 6.5 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो दोस्तों एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले फुल एचडी डिस्प्ले है इसकी। दोस्तों, इसके कैमरे की बात करें तो इसमें हमें 4 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसका दोस्तों मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है। और दोस्तों, इसका जो अपर्चर है वो 1.8 अपर्चर है दोस्तों इसका। दोस्तों, इसका सेकंड कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा इसका दोस्तों 5 मेगापिक्सल का है, और दोस्तों इसका लास्ट कैमरा वो भी दोस्तों 5 मेगापिक्सल का है। दोस्तों, इसका जो फ्रंट कैमरा है, सेल्फी कैमरा, वो 32 मेगापिक्सल का है। दोस्तों, काफ़ी अच्छा कैमरा है इसका। डिस्प्ले दोस्तों काफ़ी अच्छी है, 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले। अगर दोस्तों इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें हमें 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों आपका 2 दिन का बैटरी आसानी से दे देगी। और दोस्तों, इसकी साथ में आपको 25 वॉट का एक चार्जर मिल जाएगा 5000, जिससे दोस्तों आप अपने फ़ोन को काफ़ी आसानी से जल्दी चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों, बैटरी के मामले में और डिस्प्ले के मामले में दोस्तों आपको और कैमरे के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ज़्यादा सेल्फी खींचने का शौक है या फिर फोटो खींचने का शौक है तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और दोस्तों, बैटरी काफ़ी बड़ी है तो आप इसमें आसानी से 2-3 दिन आराम से निकाल सकते हो अगर आपका नॉर्मल यूज है तो। दोस्तों, अगर इसका जो प्रोसेसर की बात करें तो इसका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा छोटा है, Exynos 9611। तो दोस्तों, प्रोसेसर के मामले में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है अगर आप ज़्यादा गेम खेलते हो तो, बट अगर आप थोड़े बहुत गेमिंग करते हो, चाहे कोई सा भी गेमिंग खेलो, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, सैमसंग का जो डिवाइस है काफ़ी अच्छा है, ये आपको 19,500 रुपये देखने मिल जाएगा अमेजन के ऊपर। अगर आप 20,000 रुपये के अंदर कोई ऐसा फोन लेना चाहते हो सैमसंग ब्रांड का हो, तो आप सैमसंग का गलेक्सी M31S ले सकते हो, जिसका 6GB 128GB वाले वेरियंट आपको 19,500 रुपये का मिल जाएगा अमेजन के ऊपर। और दोस्तों, सेल जल्दी रहती है, अगर आप इसे सेल से खरीदते हो तो आपको इसके ऊपर 10% रिटर्न देखने को मिल जाता है सेल के अंदर, तो ये और आपको और भी कम का मिल जाएगा। अब दोस्तों, दूसरे फोन की बात करते हैं जो आता है रियलमी की तरफ से। दोस्तों, काफ़ी लोग होते हैं जिनको एक ऐसा डिवाइस चाहिए होता है जिसका दोस्तों साइज थोड़ा कॉम्पैक्ट हो, ना ज़्यादा बड़ा हो ना छोटा हो। दोस्तों, इस फोन की बात करें तो इसमें हमें 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो दोस्तों एक फुल एचडी डिस्प्ले है। इसका जो प्रोसेसर है दोस्तों वो है स्नैपड्रैगन का 720G। तो दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा गेमिंग करने का शौक है, आप ज़्यादा गेमिंग करते हो, तो आपको इस फोन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों, इसका जो साइज है वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है, आपके हाथ में आसानी से ग्रिप हो जाएगा। इसकी बैटरी की बात करूँ दोस्तों तो इसमें हमें 4500 mAh की बैटरी मिलती है, बट दोस्तों इसका साथ जो हमें चार्जर मिलता है वो दोस्तों 65 वॉट का फास्ट चार्जर है, जो कि दोस्तों आपके फ़ोन को काफ़ी जल्दी चार्ज कर देगा। दोस्तों, ये पहला फोन है जिसके साथ आपको 65 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है। तो दोस्तों, आपको अगर बैटरी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप अपने फ़ोन को कितना भी यूज़ करो, आपके फोन में दोस्तों बैटरी को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि दोस्तों इसका जो चार्जर है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों, इसका जो प्रोसेसर है वो दोस्तों काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, इसके कैमरे की बात करें तो इसमें हमें रियर में 4 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों आपको जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है। और दोस्तों, जो 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, इसमें दोस्तों आपको सोनी का एक लेटेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी अच्छी फोटो देखने को मिल जाएंगी। आपको दोस्तों अगर ज़्यादा फोटो खींचना शौक है तो आप इस फोन ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसका जो कैमरा है ना वो 64 मेगापिक्सल वाला, उसमें आपको सोनी का सेंसर देखने को मिलता है। और दोस्तों, इसका जो फ्रंट कैमरा है वो आपको दोस्तों 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, कैमरे के मामले में दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, और दोस्तों डिस्प्ले दोस्तों काफ़ी अच्छी है सुपर एमोलेड, तो आपको इस फोन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों, इसका जो बैक है इसमें आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है, बट दोस्तों इसका जो मैट फिनिश है जो देखने में दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों, प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है इसका, 720 स्नैपड्रैगन का, बैटरी दोस्तों काफ़ी अच्छी है 4500 mAh की, और दोस्तों चार्जर काफ़ी फास्ट है। और दोस्तों, जो कैमरा है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो आपके फ़ोन में आसानी से ग्रिप हो जाए, सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो, बैटरी काफ़ी अच्छी हो, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर हो, और दोस्तों कैमरा सोनी का दिया गया हो, तो आप इस फ़ोन को 19,000 रुपये कह सकते हो, जो दोस्तों जो आपको
फ्लिपकार्ट के ऊपर 19,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। इसका 206 GB 128 GB वेरियंट आपको फ्लिपकार्ट पर आसानी से मिल जाएगा, 6 GB 128 GB वाला 19,000 रुपये के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 फ़ोन की। दोस्तों जी आता है रेडमी तरफ से रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स। यहाँ दोस्तों इसका 6 GB 64 GB वेरियंट आपको अमेजन के ऊपर 70,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इस फोन डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें हमें 6.67 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है। दोस्तों इसकी जो बैटरी है वो भी काफ़ी बड़ी है, 5000 mAh की। दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जिनको एक ऐसा फोन चाहिए होता है जिसमें दोस्तों काफ़ी बड़ी डिस्प्ले हो, बैटरी काफ़ी अच्छी हो और दोस्तों प्रोसेसर काफ़ी अच्छा हो। दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है वो भी दोस्तों स्नैपड्रैगन का 720G है। दोस्तों मैं बोलूँगा कि मेरे हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो बैटरी काफ़ी बड़ी है, प्रोसेसर दोस्तों काफ़ी अच्छा है 720G और दोस्तों इस डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है 6.67 इंच की। दोस्तों इस फोन में हमें सब कुछ देखने को मिलता है जो एक फ़ोन में हमें मिलना चाहिए। और दोस्तों इसका जो चार्जर है वो दोस्तों 33 वाट का 5 चार्जर है, तो बैटरी के मामले में और चार्जिंग के मामले में दोस्तों हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। दोस्तों इसका जो सेल्फी कैमरा है वो 32 MP का है, इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा है जो पंचोल वाला। और दोस्तों इसका रियर कैमरा है उसमें हमें जो मेन कैमरा है वो 64 MP का मिलता है। दोस्तों कैमरे की उसकी जो डिज़ाइन है वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है पीछे की तरफ। और दोस्तों इसका जो चार्जर है वो दोस्तों काफ़ी फास्ट है। और इसकी दोस्तों जो बॉडी दी गई है वो दोस्तों ग्लास की बॉडी है, तो इसके आपको फ्रंट और बैक में आपको कोरियन गोला सारी प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। दोस्तों आपको इस फोन में सब कुछ देखने को मिलता है जो हमें एक फ़ोन में मिलना चाहिए। और दोस्तों अगर आप इस फोन को हल्की फुल्की बारिश में ले जाते हो तब भी दोस्तों आपको इस फोन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको P2O की कोटिंग मिलती है जिसमें दोस्तों आपकी हल्की थोड़ी बहुत बूंद गिर जाती है फोन के ऊपर, तो आपको इस फोन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दोस्तों जिस इस लिस्ट का सबसे अच्छा फ़ोन है, दोस्तों जो तीनों फोन है जो अलग अलग ब्रांड पे आते हैं, अगर आपको सैमसंग का फोन चाहिए तो आप सैमसंग का M31S ले सकते हो। अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो छोटा हो देखने में जिसका साइज दोस्तों काफ़ी अच्छा हो नॉर्मल साइज हो, तो आप रियलमी का ले सकते हो, Realme 7 Pro। और दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें आपको ग्लास की बॉडी मिले, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर में डिस्प्ले काफ़ी बड़ी हो, तो आप रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स ले सकते हो। दोस्तों तीनों फोन थे जो आपको 20,000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे इस महीने। दोस्तों ये तीनों फोन थे जो मेरे हिसाब से 20,000 रुपये के अंदर इस लिस्ट में आते हैं। अब दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से कौन से फोन इस लिस्ट में होने चाहिए 20,000 रुपये के अंदर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक हमसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।